नमस्कार दोस्तों। इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा मोह यानी कि मोह जाल में फंस जाता है पैसा। सबसे ज्यादा मोह जाल यही होता है। इंसान पैसा कमाने में लगा रहता है और उस पैसे कमाने में वह अपना उद्देश्य भूल जाता है। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तक मैं जन्म लेता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वह हर उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, लेकिन हर जरूरी नहीं है कि हर उद्देश्य पर वही आए। हमेशा इंसान के रूप में कोई व्यक्ति पृथ्वी पर आता है जो कि इस उद्देश्य को पूरा करता है, लेकिन इंसान पृथ्वी पर आकर उसके मोह जाल में इस तरह फंस जाता है कि वह उस उद्देश्य को भूल जाता है जिस उद्देश्य के लिए वह पृथ्वी पर आया था। अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति इतना बिजी रहता है अपनी लाइफ में कि पैसा कब और कैसे कैसे कमाना है इसी में लगा रहता है। जीवन की सुख सुविधाओं को कैसे पाना है ये चीजों में लगा रहता है, लेकिन किस उद्देश्य को पूरे करने के लिए आया है वह उस समय में पहुंच नहीं पाता, यानी कि उस उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाता है जिस उद्देश्य की वह कामना करता है। अक्सर देखा जाता है कि इंसान को अपने लिए ही समय नहीं मिलता है। वह हमेशा इतना बिजी रहता है और अपने आप को इतना बिजी रखता है जिसमें वह ना तो अपने ऊपर ध्यान दे पाता है और ना ही अपने स्वास्थ्य का। यदि व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसके मेहनत के नतीजे नहीं मिलते हैं तो वह सिर्फ निराश हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि वह किस उद्देश्य के लिए आया है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वह व्यक्ति अपने आप को ही टटोले और सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेडिटेशन करे। मेडिटेशन करने से उसको उद्देश्य और उसके अपने जीवन के बारे में पता चलेगा। ऐसा करने से वह अपने मन को शांत कर सकता है और उसे हुए मोह जाल से निकल सकता है। यदि व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो वह व्यक्ति मेडिटेशन करने से काफी हद तक अपने तनाव को दूर कर सकता है। तो मोह जाल से निकलने के लिए भी और तनाव को दूर करने के लिए भी मेडिटेशन काफी हद तक अच्छा माना जाता है और भगवान में ध्यान लगाना सबसे अच्छा भी माना जाता है अपने जीवन की सुख सुविधाओं के लिए। तो ये है मोह जाल से निकलने के आसान से तरीके। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।